हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतीमन। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का, जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन। और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दो और वीडियो आएंगे और आपकी हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगी। बंगाल में सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 1769-70 ईस्वी में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह को दबा दिया, यह किस उपन्यास में उल्लेखित है? यह हमें मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंदमठ। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो सन्यासी विद्रोह था उसे किसने दबाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोल जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? कोल जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? 1831 ईस्वी में। ये कोल जनजाति जो है वो बिहार और झारखंड के आसपास रहती थी, तो इस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1831 ईस्वी में। क्वेश्चन फोर है, कोल विद्रोह के समय कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? कोल विद्रोह के समय जो कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है मेटकॉफ। ठीक है, कोल विद्रोह के समय कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष थे मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर फाइव। संथाल विद्रोह कब व नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, कुछ विद्रोह जो है वह हुए थे, तो यहाँ आपको इनकी डेट और ये कहाँ हुए थे तो ये सभी आपको याद रखने हैं। वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। देखिए, यहाँ आप एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। संथाल विद्रोह जो है वह 1855-56 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिंधु और कानू। ठीक है, सिंधु और कानू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। और संथाल विद्रोह जो है यह भी बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पाई जाने वाले एक जनजाति थी। तो अभी हम जनजाति आंदोलन जो है वो पढ़ रहे हैं। आपके जो टॉपिक है उसमें भी दिया हुआ है किसान आंदोलन, और ये सभी जो है वो आंदोलन जो है वो आपको पढ़ने ही होंगे। भील जनजाति ने विद्रोह कब किया? तो भील जनजाति ने विद्रोह किया था, देखिए, 1812-19 तक किया, उसके बाद 1825 में किया, फिर 1831 में किया, और उसके बाद 1846 में किया। तो याद रखना है कि भील जनजाति ने विद्रोह जो है वह 1812-19 तक किया, 1825 में किया, 1831 में किया और 1846 ईस्वी में किया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। भील विद्रोहों में 1825 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भील विद्रोह जो है वो चार बार हुआ था, तो जिसमें 1825 जो था वह वाला विद्रोह जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो भील विद्रोह में 1825 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता थे शेवरम। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील विद्रोह में 1825 ईस्वी में जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे शेवरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। पश्चिमी घाट में रहने वाली रमोसी जनजाति ने कब विद्रोह किया? पश्चिमी घाट में जो रमोसी जनजाति थी उसने विद्रोह कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1822 ईस्वी में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुई थी यह विद्रोह। ठीक है, तो यह विद्रोह जो है वह कहाँ का देख रहे हैं हम? रमोसी जनजाति का, जो कि पश्चिमी घाट में रहती थी। यहाँ पर तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। रमोसी जनजाति कहाँ रहती थी? पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी। इस जनजाति ने विद्रोह 1822 में किया था और नेतृत्व करता थे सरदार चित्तर सिंह। उसके बाद है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत को अंग्रेजों ने किस जेल में भेजा था? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत को अंग्रेजों ने भेजा था अरब देश की जेल में, 1879 ईस्वी में अदन भेजा था। क्वेश्चन 10 है, पुणे में किसने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी और रैंड की हत्या की? ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इसका आंसर है चापेकर बंधु। ठीक है, अब चापेकर बंधु में कौन कौन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या की गई थी 1897 ईस्वी में, पहली बात तो ये याद रखनी है। उसके बाद चापेकर बंधुओं में तीन हैं लोग, दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर। तो तीनों के नाम के आगे ही हरी चापेकर लिखा हुआ है, तो यहाँ याद करने में आसानी होगी। और याद रखना है कि चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या 1897 ईस्वी में की थी पुणे में।
ये तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हिंदू धर्म संरक्षण सभा कब बनी? हिंदू धर्म संरक्षण सभा कब बनी थी? आंसर है 1893 ईस्वी में शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ हो गया था। यानी कि हिंदू धर्म संरक्षण सभा जो है वो 1893 ईस्वी में बनी थी, इसके बाद से ही शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन 12 है, 1897 में पूना में फैली प्लेग कमिश्नर कौन थे? तो 1897 में पूना में प्लेग फैल गया था, उस समय प्लेग कमिश्नर जो थे वह थे रेंट, और इनकी हत्या जो है वह किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। क्वेश्चन 13 है, देश के बाहर लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो देश के बाहर जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक स्थान जो है वह चुना गया था, और लंदन में जिसे इंडिया हाउस के नाम से बनाया गया, इसकी स्थापना जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो देश के बाहर लंदन में की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ के निवासी थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ के निवासी थे? तो वह पश्चिमी भारत में काठियावाड़ प्रदेश के निवासी थे। काठियावाड़ प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? आंसर है इंडिया सोशलिज्म। देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको इसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम देंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन सोशलिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस की क्रांतिकारी सदस्य कौन थे? जो उन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी इंडिया हाउस की, तो इसमें क्रांतिकारी सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर वी डी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है कि कृष्ण वर्मा जो थे उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और उसमें क्रांतिकारी सदस्य थे वी डी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लंदन में भारतीयों के लिए आंदोलन करने का केंद्र कहाँ बना? तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन आंसर वही है कि लंदन में भारतीयों के आंदोलन करने के लिए जो केंद्र बना उसका नाम था इंडिया हाउस, और जिसकी स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन 18 है, वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ से वीर सावरकर के बारे में क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। वीर सावरकर का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में भागुर गांव में 28 मई 1883 को। ठीक है, 28 मई 1883 को भागुर गांव महाराष्ट्र में वीर सावरकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, वीर सावरकर लोकमान्य तिलक के संपर्क में कहाँ आए? वीर सावरकर लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए थे बंगाल में फर्ग्यूसन कॉलेज में। क्वेश्चन 20 है, ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की आजीवन कारावास जो है वो किसे दी थी? तो देखिए, एकमात्र ये सजा जो है वो केवल एक ही इंसान को दी गई थी, जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात थी। ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा दी थी वीर सावरकर को। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर को। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? तो यह पुस्तक जो थी वह हम पहले भी देख चुके हैं पहले की कक्षाओं में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का प्रकाशन किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? तो श्याम जी लाल कृष्ण वर्मा ने जो लंदन में जो केंद्र स्थापित किया था स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के लिए, इसी तरीके से विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना जो है वो कब की थी? 1906 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, सावरकर को किस जेल में भेजा गया? अब ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि सावरकर को किस जेल में भेजा गया? अंडमान की सेलुलर जेल में वीर सावरकर को भेजा गया था।
क्वेश्चन 24, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किया था श्री पी मिश्रा ने, श्री पी मिश्रा ने किया था। क्वेश्चन 25, 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने किस पुस्तक को लिखा? 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने किस पुस्तक को लिखा था? तो आंसर है इसका भवानी मंदिर पुस्तक लिखी। किसने लिखी? वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में। यहीं तक करेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।